आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा नगरी अजमेर में लुटेरों का आतंक जो है बढ़ता ही जा रहा है और देर रात क्लॉक टावर थाने से महज कुछ ही दूरी पर अज्ञात लुटेरे सुनार को लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी और पुलिस के मुताबिक कोटड़ा निवासी राहुल अपने रिश्तेदार के साथ दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी वो थाने के पीछे दुकान पर अपना चश्मा ठीक करवाने पहुंचा। वहां राहुल को झांसा देकर कुछ युवकों ने कार की खिड़की से गहनों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। उधर पुलिस को इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में मेरे फूफा जी थे तो मेरे पास बैग था मेरे गोल्ड का, मैंने उनको दो मिनट के लिए पकड़ा, मैंने कहा मैं अंदर चश्मा लेके आ रहा हूँ एक मिनट में। अंदर गया यानी अब 20 से 25 सेकंड नहीं हुए होंगे मेरे हिसाब से, मैं अंदर गया बाहर आया और वो फूफा जी यहाँ खड़े हुए थे। वो बंदा कोई था, उसने बोला कि आपके पैसे गिर गए, ड्राइवर साहब के जो गिर गए अभी, वो आगे पैसे लेने आया, उधर से गेट खोल के वो बैग लेकर रवाना हो गया। एक सिंगल जना था लड़का, बस 20 से 22-23 साल की उम्र थी करीब। क्या पहना हुआ था? शर्ट पहना हुआ था, वो इतना मैं कन्फर्म नहीं हूँ। बाइक पे नहीं, पैदल था वो लड़का। क्या क्या था बैग में आपके? बैग में थोड़ा कैश था, 30-40 हज़ार रुपये, 50 से 60 ग्राम 100 ग्राम के सोना था। लगभग कितने का माल गया? अप्रोक्स 3-1 लाख रुपये का। फुटेज हमने देखे हैं, उन फुटेज के अंदर ऐसे तीन व्यक्ति संदिग्ध आ रहे हैं जो इधर से पड़ाव से टिप टॉप वाली जो होटल की गली है उससे मदार गेट की तरफ गए हैं और बैग उन्होंने रास्ते में कहीं फेंक दिया है। उस बैग के बारे में जानकारी मिली है।